उसमें पंडित जी यहाँ पे कहते हैं लाल किताब में कि भाई आप लोगों ने जिनको वैदिक नहीं भी आती उनको भी ये बात मालूम होगी कि वैदिक में हम 12 राशियां और 12 घरों को देखते हैं। यानी कि आपके पास राशियां होती हैं वैदिक में, राशियों को हम अलग पढ़ते हैं, फिर हम ग्रहों को पढ़ते हैं, फिर हम भावों को पढ़ते हैं, फिर हम इन तीनों को पढ़ते हैं साथ में। तो ये चीज यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाती है लाल किताब में कि भाई आपकी लाल किताब की कुंडली में आपको राशियों को लेने की जरूरत नहीं है, राशियों को लेने की जरूरत नहीं है। यानी जो 12 राशियां हैं एरीज सैजिटेरियस ये सब आपको लेने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि भाई नॉर्थ इंडियन जो कुंडली है वो ऐसी बनती है। अब जो नॉर्थ इंडियन कुंडली में यहाँ पे हर किसी की कुंडली में यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है। मान लीजिए यहाँ पे किसी का 5 नंबर लिखा है तो हम उसको ये कहते हैं कि अरे भाई ये सिंह लगन का इंसान, क्योंकि ये जो पहला भाव है ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका फर्स्ट हाउस है जिसको हम पहला खाना भी कहते हैं। लाल किताब में आगे जब हम चलेंगे तो हर हाउस को मैं खाना कहूंगी। खाना खाना मतलब जो ये पहला घर है आपका। तो यहाँ पे आपका आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा होगा 1 से 12 का, उसको भूल जाना है आपने लाल किताब में, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। यहाँ पे कोई भी नंबर होने दो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका यहाँ आएगा। यानी मान लीजिए कि 6 नंबर यहाँ आया तो आपका जो ये जो नंबर्स हैं इसको बिल्कुल भूल जाना है आपने, आपको नंबर्स को बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या देखना है लाल किताब में, हमें ये देखना है कि भाई हमें इन सिर्फ इन खानों से मतलब है। हमें जो उसमें नंबर्स लिखे हैं हमें वो नंबर्स को नहीं सोचना, नहीं देखना उनको, नहीं हमने ये देखना कि भाई वो कौन सी राशि के हैं, क्या है वो, हमें वो सब नहीं चाहिए लाल किताब। तो यहाँ पे आसान हो गया आपके लिए। हमें क्या देखना है अब वो समझो कि भाई लाल किताब आपसे क्या कहती है। लाल किताब आपसे कहती है कि आप जो है ये आपकी कुंडली है। हमें सबको पता है कि भाई ये ऐसी कुंडली हमारी ऐसी बनती है। ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है, ये आपका चौथा घर है, ये आपका पांचवा घर है, ये आपका छठा घर है, ये आपका सातवां घर है, ये आपका आठवां घर है, ये आपका नौवां घर है, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां घर है। आपने सिर्फ इन घरों को जांचना है, इन घरों में बैठे ग्रह को देखना है। लाल किताब यहीं से शुरू होती है। हमें राशियों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, किस खाने में कौन सी राशि आई हमें वो नहीं देखना है। हमें सिर्फ इन घरों के नंबर्स को आपको याद रखना है कि भाई मेरे पहले घर में, मान लीजिए कि मैं किसी की कुंडली आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ कि भाई उसका यहाँ पे गुरु बैठा है, यहाँ पे उसका केतु बैठा है, ठीक है, यहाँ पे राहु होगा क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं हमेशा, ये राहु बैठा है। तो हमें उसका क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई गुरु और केतु उसका पहले खाने में बैठा है, राहु उसका सातवें खाने में बैठा है, उसमें क्या नंबर लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आया कि